आपणको भेटाइब जड़े एमती व्यक्ति जे अटकवा जानते ना जहाँ उद्देश्य आग को बढ़िया केवल आग को बढ़िया देखते रिपोर्ट स्वप्न देखिबा साधारण कथा से स्वप्न को सत करी देखाइबा खास कथा आउ एमिति खास काम करी देखाइछंती महेंद्र प्रताप सिंह एमिति तो महेंद्र प्रताप सिंह को मरुधरार लोके राजस्थान प्रशासनिक सेवार अधिकारी भावे जानो जिए एबे राजस्थान चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमिशन रो डेपुटी सेक्रेटरी पदरे अछन किंतु एबे तांकु नै चर्चा टेरिटोरियल आर्मी रे तांकर चयन को नै हिछि एक आर्मी की ही यूनिट है और इसमें एक ऐसा अवसर रहता है जो लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हैं सैलरीड लोग हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट फील्ड में वो लोग टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और ये 2017 की जो वैकेंसी थी मैंने उसमें भी अप्लाई किया था बट उसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बार जब 19 की वैकेंसी आई तो मैंने 15-20 दिन की छुट्टी भी ली और कोचिंग भी ली और मैंने फिर से रिटर्न की तैयारी की। ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठे थे एंड 2200 को उन्होंने रिटर्न में क्वालिफाई किया। देयर आफ्टर इनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें उन्होंने 850 को क्वालिफाई किया और उस 850 में से फाइनली 12 बॉयज़ 12 मेल कैंडिडेट उन्होंने क्वालिफाई किए आउट ऑफ 1.5 लाख उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। महेंद्र प्रताप सिंह राजस्थान प्रशासनिक सेवार प्रथम अफिसर जहां टेरिटोरियल आर्मी रे सिलेक्शन होई छी। टेरिटोरियल आर्मी बाबदरे जेउ माने जानी नहंती सेमानंकु कहि रखुछु टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना रही एक अंश टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सुरक्षा बाहिनीर सेकेंड लाइन प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 अनुसार 1949 रे यार गठन करा जायतिला युद्ध समय फ्रंट लाइन रे भी टेरिटोरियल आर्मी मुतयन होई पारि 18-42 वर्ष वयस्क शारीरिक भाव समर्थ लोके एथिरे जोग दे पारिबे साधारण श्रमिकों ठारु नै सिविल सर्वेंट को जाए लोके एथिरे सामिल होई पारिबे टेरिटोरियल आर्मी पई केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करि पारिबे। सचिन पायलट भी 2012 रे टेरिटोरियल आर्मी रे लेफ्टनान होइथिले क्रिकेटर एवं टीम इंडिया रो पूर्वतन कैप्टेन महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी रो जने सदस्य रही सारिछन आउ एबे महेंद्र प्रताप सिंह टेरिटोरियल आर्मी रे लेफ्टनान पदरे सामिल हेबे जो माने कोनोसी कारणरु भारतीय सेना रे सामिल होई पारिबे नाही सेमानंकु टेरिटोरियल आर्मी रो एक अंश हेबाकु सुजोग दिया जाय। महेंद्र प्रताप सिंह भी सेई मानंकु मध्यरु जणे पिला दिनु सेना रे जोग देबा पई से स्वप्न देखिथिले बहु परीक्षा रे पास करथिले किंतु एनडीए एवं सीडीएस जॉइन करि पारि नथिले एबे जाई तांको स्वप्न पूरण होइछि। 2008 का जो बैच था जो हमें 11 में ज्वाइनिंग मिली तो ठीक 2006 के ग्रेजुएशन के बाद में 2008 के बैच में मेरी 8वीं रैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था। साथ में ही सेंट्रल पुलिसेज के लिए असिस्टेंट कमांडेंट CISF में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ सेंट्रल पुलिस SI में मेरा सिलेक्शन हुआ एयरफोर्स के लिए GDOC का भी हुआ पायलट के लिए भी मैंने PABT का जो टेस्ट है वो पास किया था एंड सेंट्रल IB में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACIU-2 के पद पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ जिसको मैंने ज्वाइन भी किया था। मीनवेल जब RAS की ज्वाइनिंग आ गई तो मैंने उसको कर लिया। बीइंग फ्रॉम बॉर्डर विलेज एंड फ्रॉम डेजर्ट आर्मी के प्रति शुरू से ही एक रुझान था। 12th क्लास में ही पिताजी के कहने पर मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था 2 बार उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने CDS के 3 बार एग्ज़ाम दिए और SSB के लिए मैं गया बट फाइनली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो जिस तरह से RAS या IAS के लिए क्रेज़ रहता है वैसा का वैसा प्रीमियर सर्विस जो आर्मी है अपने इंडिया की उसको लेकर भी क्रेज़ था। स्वप्न केवल स्वप्न रे रही न जाऊ ताकु दिन राति पाइबार उद्यम रे लागी रहू महेंद्र प्रताप सिंह भी लागी रही थी एबे तांकर स्वप्न पूरा हे छी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।